हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइना टेक्नोलॉजी किचन। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे, ये हमारा लौकी है तो लौकी की सब्जी भी बनाएंगे, साथ में हम लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लौकी को इसका छिलका उतारेंगे और लौकी को क्रश करेंगे। हो चुकी है, अब हम इसमें देखिए 1 बाउल बेसन डालेंगे और कटी हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें 1/2 स्पून नमक डालेंगे और 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 स्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1/2 स्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमारे मसाले जो है और बेसन वो मिक्सअप हो चुका है। सबसे पहले तो हम गैस ऑन करेंगे, फ्राई पैन में ऑयल को डालेंगे। ये देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए ऑयल जो हमारा वो पक चुका है। अब हम इसमें ऐसे गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे, फ्राई करेंगे, मीडियम साइज रखेंगे। ये देखिए हम ऐसे इसको हिलाते रहेंगे, अब पलटेंगे देखिए ताकि एक साइड से जले ना, ऐसे धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए कोफ्ते जो हमारे वो ब्राउन हो चुके हैं, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए एक रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, आप इसको चाय के साथ सॉस के साथ ले सकते हैं। अब हम साथ में ही दूसरी और रेसिपी बनाएंगे, लिक्विड इसकी सब्जी बनाएंगे। ये देखिए ऑयल को मैंने थोड़ा सा रखा है, ऑयल जो है मैंने ज़्यादा था तो उसको मैंने निकाल दिया है। अब हम इसमें ये देखिए जीरा डालेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे, 2 लाल साबुत मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ 2 प्याज डालेंगे, इसमें 1/2 स्पून नमक डालेंगे और 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1/2 स्पून इसमें गर्म मसाला डालेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे, जब तक हमारा प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये देखिए टमाटर को हम 2 मिनट पकाएंगे, जब तक ये पूरे गल नहीं जाते तब तक इसको ऐसे हिलाते रहेंगे, पकाएंगे इसको। ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो गल चुके हैं। देखिए अब हम इसमें ये कोफ्ते डालेंगे, थोड़े हम कोफ्तों को ऐसे तोड़ लेंगे, ऐसे तोड़ के डालेंगे ऐसे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे, इसको ऐसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च डालेंगे। अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखिए हमारी 2 रेसिपी एक साथ 2 रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप इसको चपाती के साथ ले सकते हैं और ये आप चाय के साथ ले सकते हैं या तो आप सॉस के साथ ले सकते हैं, एज यू लाइक। तो कैसे लगे आपको मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।